हम जो करने जा रहे हैं वो है फैलिंग सॉल्यूशंस, ठीक है। फैलिंग टेस्ट को देखते हैं, फैलिंग सॉल्यूशंस, फैलिंग टेस्ट के लिए हमें जो चाहिए वो है फैलिंग सॉल्यूशंस। ये ऑन द स्पॉट आपको वहीं बनाना पड़ेगा जहां आपको टेस्ट करना है। इसके लिए आपको कॉपर सल्फेट, जो कि फैलिंग ए के नाम से जाना जाता है, उसे मिलाना पड़ेगा। दूसरा जो रॉशियस सॉल्ट, जिसको हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, टार्ट्रिक एसिड से बनता है, इसके साथ जब आप इन दोनों को मिलाते हो तो बनने वाला कलर आपका किस तरह का रहता है? ब्लूइश कलर, ठीक है। किस तरह का रहेगा? ब्लूइश कलर। इन दोनों को, तो इन दोनों को मिलाते ही आपको कैसा बन जाएगा? ब्लूइश। अब आप ये मान के चले कि एक और चीज हमारे को इस टेस्ट के लिए याद है कि Cu2O है जो है वो है रेड कलर का, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई रिएजेंट सब्सटेंस प्लस फैलिंग सॉल्यूशन ए और बी को मिला के जो बन रहा है फैलिंग सॉल्यूशन, उसको मिलाया जाए, उससे पहले ये रहता है ब्लू कलर। कैसा रहता है? ब्लू। और जैसे ही रेड कलर आ जाता है तो इसको बोलते हैं रेड कलर आती, किस वजह से आया वो हमें बाद में सोचना है, लेकिन रेड कलर आते ही हमारे पास क्या हो जाता है? इसको बोलेंगे पॉजिटिव फैलिंग टेस्ट। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव फैलिंग टेस्ट। यानी कि कुल मिला के आसान भाषा में तो यही है कि चेंज ऑफ ब्लू कलर टू रेड कलर ऑफ फैलिंग सॉल्यूशन इज कॉल्ड फैलिंग टेस्ट। तो ऐसा दो पॉइंट है कि कौन से सब्सटेंस आपका ये टेस्ट देंगे, पहली चीज, और दूसरी चीज क्यों कलर चेंज हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले तो यहां पर फैलिंग सॉल्यूशन जो ब्लू है वो है CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट की वजह से, और कॉपर सल्फेट यहां पर Cu2O में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं इस जगह प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट किस में कन्वर्ट हो रही है? प्लस वन। तो कॉपर का क्या होगा यहाँ पर? रिडक्शन। तो सामने वाले का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो अगर हम यहाँ पर बात करें R/H, pH को काट दो, हम ये pH कहाँ रखते थे? टॉलिन में रखते थे, यहाँ पर काट दो बस, और कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा C(OH) और अगर आपने Cu+2 रखा तो Cu+2 तो Cu+ में चेंज हो जाएगा, और यहां पर R/H C(OH) आ रही है बात समझ में? ये H का ऑक्सीडेशन हो जाएगा किसमें? OH में, लेकिन क्योंकि मीडियम बेसिक है तो ये किसमें रहेगा? O- में, बेसिक मीडियम है। तो यहां पर आपको ऐसा देखने को मिलेगा। हाँ, तो ये तो रहा आपका फैलिंग टेस्ट की मेन पॉइंट। तो की पॉइंट क्या बन रहा है कि बेंजल्डिहाइड फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देता है? नहीं देता। बेंजल्डिहाइड क्योंकि पीएच को मैंने क्या कर दिया? काट दिया। नॉर्मल एल्डिहाइड एंड फॉर्मेल्डिहाइड फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड फैलिंग टेस्ट नहीं देते। आ रही है बात समझ में? इसको लिखें। तो इसी के अंदर एक और पॉइंट हम ऐड करेंगे, क्या हमारे लिए अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, जैसा हम पढ़ रहे थे, यह है हमारे लिए अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, हाँ या ना? क्या ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा Cu+2 से? हाँ बिल्कुल, ये भी हो जाएगा, और हमारे पास R(C)O और C(O) और H हमारे पास हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो कॉपर क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, और रिड्यूस होते ही कॉपर का कलर क्या हो जाएगा? रेड। यानी ये भी हमारे पास ब्लू से रेड होते ही हमें पता चल जाएगा ये भी टॉलिन टेस्ट देता है। तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन देता है? हाँ। कीटोन देता है? नहीं। बेंजल्डिहाइड देता है? नहीं। और कौन नहीं देता? बहुत सारे एसिडिक एसिड वगैरह भी नहीं देते। तो बिल्कुल वैसे ही सोचते हैं जैसे हमने टॉलिन टेस्ट दिया था, बस टॉलिन टेस्ट में से क्या चीज हटानी है हमें? एरोमेटिक एल्डिहाइड, बाकी सब एज इट इज रखना है। कोई डाउट? नहीं तो लिखें। आगे अगर आप जब इसको रखते हैं
तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये कलर आ रहा है आपका ब्लू, लिखे इसको एक मिनट, देखिएगा ये मेरे पास सबसे पहले कॉपर सल्फेट दिख रहा है आपको, कॉपर सल्फेट ये ब्लू कलर का, ये मेरी टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट भरा हुआ है ब्लू कलर में, और जैसे ही मैंने इसके अंदर फॉर्मेल्डिहाइड या एल्डिहाइड मिला दिया, नॉर्मल एल्डिहाइड, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड कलर में। बस यहां पर क्या था, Cu प्लस टू था, और यहां पर क्या है, Cu प्लस है, एक का ऑक्सीडेशन होगा एक का रिडक्शन होगा। टॉलेंट में किसका रिडक्शन होता था, टॉलेंट के अंदर सिल्वर का, Ag प्लस है Ag, यहां किसका रिडक्शन हो रहा है, कॉपर Cu प्लस, क्यूप्रिक से क्यूप्रस बन रहा है, और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, दोनों ही जगह एल्डिहाइड का। क्या ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि ये नॉर्मल कीटोन को भी कर सकता है, नहीं नहीं कर पाता। क्या ये इतना, फैलिंग की बात कर रहा हूं, क्या ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये बेंजाइल डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज कर पाता है, नहीं। बस अब बस यही लिख लीजिए आप,